सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी CAC के सदस्य और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली की रवि शास्त्री से बनती नहीं है, ये हर भारतीय क्रिकेट फैन जानता है। पिछले साल कोच के चयन के दौरान इन दोनों के बीच खासा गर्मागर्मी हो गई थी। अब खबर ये है कि एक बार फिर सौरभ गांगुली और रवि शास्त्री के बीच तकरार हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच को लेकर सौरभ गांगुली और रवि शास्त्री के बीच एक राय नहीं थी। सौरभ गांगुली और क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ने जहीर खान को टीम इंडिया का गेंदबाजी कोच चुना, जबकि रवि शास्त्री भरत अरुण को गेंदबाजी कोच चाहते थे। खबरों की माने तो गेंदबाजी कोच के मुद्दे पर सौरभ गांगुली और रवि शास्त्री के बीच काफी बहस हुई। गेंदबाजी कोच पर शास्त्री और गांगुली दोनों की राय काफी अलग थी। रवि शास्त्री भरत अरुण को गेंदबाजी कोच बनाने की वकालत कर रहे थे, जबकि गांगुली ने उन्हें साफ मना करते हुए जहीर खान को गेंदबाजी कोच बनाने की बात की। इसके साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि विराट कोहली की पसंद की वजह से रवि शास्त्री टीम इंडिया के कोच तो बन गए, लेकिन विराट जहीर खान को गेंदबाजी कोच बनाने के पक्ष में थे। मतलब साफ है, जहीर खान को गेंदबाजी कोच बनाने के पीछे विराट ने भी कहीं ना कहीं रोल अदा किया। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।